हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। जो बात करने वाले आइकन स्टार और पैन वर्ल्ड सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की मच अवॉइटेड ब्लॉकबस्टर फिल्म यानी पुष्पा दी राइज पार्ट वन हिंदी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के अंदर आप लोगों का ग्रैंड वेलकम करता हूं। और फ्रेंड्स, जिस कदर पुष्पा का क्रेज चल रहा है डे बाई डे, इस झुकेगा नहीं इस साल। ओटीटी के अंदर इस फिल्म को आने के बाद क्रेज कम हो जाएगा, उसके बाद हिंदी वर्षन भी गया, तब तो लगा था कि ये फिल्म एकदम डेफिनेटली बंद हो जाए। लेकिन मेरे भाई, ये पुष्पा है। डायलॉग तो सुना ही होगा, पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या वायर है। दोस्तों, एक हफ्ते पहले मैंने लास्ट डे 26 का जो हिंदी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बताई, लेकिन अभी दोस्तों धीरे धीरे से ही लेकिन कलेक्शन का अपडेट जो है आ रहा है। दोस्तों, पुष्पा को रिलीज हुए अभी 38 डेज हो चुके हैं, लेकिन अभी भी पुष्पा जिस तरीके से चल रहा है दोस्तों, इट्स आउटस्टैंडिंग, इट्स क्रेजी, इट्स ह्यूमंगस। अब जो कहो इस मूवी को कह सकते हो, क्योंकि ये मूवी डिजर्व करता है। एंड दोस्तों, आज यानी डे 38 का जो कलेक्शन निकल के आ रहा है दोस्तों, सुनने के बाद आप कहोगे इट्स क्रेजी, इट्स अ नेक्स्ट लेवल। दोस्तों शुरू करते हैं। जब ये मूवी अमेजोन के अंदर आया था, उस वीक के अंदर इस फिल्म ने कमाए थे 7.06 करोड़ और इस वीक के अंदर 2.85 करोड़। इट्स आउटस्टैंडिंग, मतलब किसी को नहीं लगा था कि अमेजोन के अंदर आने के बाद, इसका हिंदी वर्जन जब रिलीज हुआ था उसके बाद तो कतई नहीं लगा था कि ये फिल्म जो है चलने वाला। अगर चलता भी है तो ये फिल्म 30 लाख 40 लाख से ज्यादा जो है नहीं कमा पाया। और डे 26 का जो हिंदी एस्टिमेट कलेक्शन का वीडियो मैंने बनाया था, उसके अंदर मैं डे 26 से लेकर डे 35 तक जो एस्टिमेट कलेक्शन आप लोगों को बताया, अभी आप सुनोगे तो आपको पता चल जाए। डे 32 से स्टार्ट करता हूं, मैंने प्रेडिक्शन किया था 56 लाख और जो फाइनल प्रेडिक्शन आया है वो है 70 लाख। डे 33 मैंने प्रेडिक्शन किया था 40 लाख और कलेक्शन आया है 66 लाख। डे 34 मैंने प्रेडिक्शन किया था 55 लाख और कलेक्शन आया है 63 लाख। डे 35 मैंने प्रेडिक्शन किया था 45 से लेके 40 करोड़ तक और कलेक्शन आया है 59 लाख। और 35 डेज के अंदर उस वीक के अंदर जो टोटल कलेक्शन होता है वो है 91.98 करोड़। ये अल्लू अर्जुन स्टाइल में बताओ तो ये झुकेगा नहीं साला। दोस्तों देखा, जिस हिसाब से हमने प्रेडिक्शन, हमें लगा था कि इस टाइप के कलेक्शन जो आने वाला, बट पुष्पा ने ये बता दिया दोस्तों, अपन फ्लावर नहीं फायर है। और हर टाइम लोग भूल जाते हैं ये पुष्पा है मेरा, मतलब अभी जो सिचुएशन है, जिस सिचुएशन के अंदर पुष्पा कलेक्शन कर रहा है, जो पैंडेमिक चल रहा है, जो महामारी चल रहा है, उस हिसाब से भी पुष्पा जिस कदर कलेक्शन करके दे रहा है, इट्स आउटस्टैंडिंग। अभी तुम लोग कह सकते हो कोई भी फिल्म नहीं है, पुष्पा अकेले भग रहा है इसीलिए कलेक्शन आ रहा हो, तो आप लोगों को क्या लगता है ये मूवी अगर पुष्पा ना हो के कोई और फिल्म में रिलीज होता तो जिस कदर अभी पुष्पा कलेक्शन कर रहा है उस कदर उस फिल्म का कलेक्शन करना पॉसिबल होता? नहीं। ये क्रेज है इस मूवी। अभी अगर चंडीगढ़ करे, आशिकी सत्य में विजय, टू बेल बटम, ऐसे मूवीज अगर लगाया जाए तो पुष्पा अभी जिसका दर कलेक्शन कर रहा है, क्या वो भी फिल्म कलेक्शन करके दिखा पाएगा? नहीं मेरा भाई। और हर वक्त आप लोग भूल जाते हो ये पुष्पा है मेरा भाई, ये रुकेगा भी नहीं और झुकेगा भी नहीं साला। अभी बात करते हैं डे 36 की, जो कलेक्शन निकल का है वो है 60 लाख और डे 37 जो कलेक्शन निकल का आया है वो है 70 लाख। और लग रहा था पुष्पा का जो कलेक्शन है अभी इस हिसाब से आने वाला है। और जो पुष्पा नॉर्मल डेज के अंदर भी 1 करोड़ जैसा कलेक्शन करता था, और अभी तो 1 करोड़ का कलेक्शन करना लगभग इम्पॉसिबल है। लेकिन हम सब भूल रहे थे पुष्पा डे 1 से ही इम्पॉसिबल चीज को भी पॉसिबल करके दिखा। और डे 38 का जो कलेक्शन है, मैं लग रहा था 70 से 75 लाख तक जा सकता है, लेकिन 1.40 करोड़। इट्स अनदर नेक्स्ट लेवल, इट्स ह्यूमंगस। दिस इज ए पावर ऑफ पुष्पा, दिस इज ए क्रेज ऑफ अल्लू अर्जुन। आप इस मूवी को कुछ भी बोलो, ये मूवी साला रुकेगा भी नहीं, ये झुकेगा भी नहीं। ओटीटी के अंदर जाए, कहीं पे भी चला जाए, ये मूवी झुकेगा भी नहीं। कोई सोच सकता था 38 डेज के अंदर भी आके भी और इस सिचुएशन के अंदर आके भी ये फिल्म 1.40 करोड़ का कमाई करेगा? इट्स अ अनदर नेक्स्ट लेवल। इसी के साथ डे 38 तक पुष्पा का हिंदी का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 94.66 करोड़। अल्लू अर्जुन और उनका स्टारडम फायर है। पुष्पा रुकेगा भी नहीं और झुकेगा भी नहीं साला। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या फायर है मैं। और उसके बाद नेक्स्ट वीक के अंदर भी जो ऑक्यूपेंसी देखने को मिल रहे हैं और उस हिसाब से जो कलेक्शन निकल के आएंगे वो भी बहुत ही फायर लेवल के यहाँ पे निकल के आने वाले। और कल के दिन के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट डे है यानी 26 यानी रिपब्लिक डे, भाई उस दिन जो कलेक्शन करने वाला है ना पुष्पा, वो बस देखना कि क्या कलेक्शन करता है। मैक्सिमम 1.5 करोड़ से भी ऊपर 2 करोड़ भी पार कर सकता है। एंड 28 डेज में जो कलेक्शन निकल का है, आप लोग कैसे मुझे कमेंट में जरूर बता सकते हो। जब ऑफिशियल फिगर पूरी तरीके से आ जाएगा तो डेडिकेटेड वीडियो में जरूर से आप लोगों को बना के दे दूंगा। एंड अभी जो कलेक्शन करा है पुष्पा, आप लोगों का एक्सपेक्टेड था, अनएक्सपेक्टेड था, आप लोगों का सरप्राइज हुए, वो मुझे कमेंट में जरूर से बता सकते हो। एंड आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, कैसे लगा मुझे कमेंट में जरूर से बता सकते हो। वीडियो अच्छा, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। और पुष्पा हिंदी वर्जन थिएटर में रुकेगा भी नहीं और झुकेगा भी नहीं साला। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझेगा, ये फ्लावर नहीं फायर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।